ऑल ऑफ यू, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेस्टेज इन रिंग स्पिनिंग। वेस्ट कंट्रोल रिंग स्पिनिंग, कॉटन स्पिनिंग में वेस्ट कंट्रोल एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर हो जाता है। वेस्ट अगर हम कंट्रोल करते हैं तो हमारी कॉस्ट कंट्रोल होती है। वेस्टेज का लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे हमारी कॉस्ट पर यूनिट केजी पर यूनिट जो हमारी कॉस्ट जो है बढ़ती जाती है। तो वेस्ट कंट्रोल कॉटन स्पिनिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। आज हम इस लेक्चर के माध्यम से जानेंगे कि डिफरेंट स्टेज पे हमारे वेस्ट परसेंटेज का कितना वेस्ट परसेंटेज आता है, कौन कौन सा वेस्ट जो है किस स्टेज पे कौन सा वेस्ट जो हमारा रिमूव होता है। तो हम रॉ मेटेरियल लेते हैं, रॉ मेटेरियल को से हम फिनिश प्रोडक्ट, रॉ मेटेरियल हमारा कॉटन होता है, कॉटन को हम डिफरेंट स्टेज पे प्रोसेसिंग करके हम फाइनल प्रोडक्ट यार्न प्रोड्यूस करते हैं। प्रोसेसिंग के दौरान हमारी जो है डिफरेंट जो आपने पिछले लेक्चर में फ्लो चार्ट देखा होगा, फ्लो चार्ट में हमने देखा ब्लो रूम, कार्डिंग, ड्रॉ फ्रेम, रोबिंग फ्रेम, रिंग फ्रेम, ये हमारी मशीनें जो है इंक्लूड होती है कार्डेड कार्डेड यार्न में। और कॉम्ड यार्न के केस में हमारा जो है लाइव फार्मर और काम्बर हमारी जो है कार्डिंग के बाद हमारे ऐड हो जाते हैं। तो ये हमारे दो टाइप के हम जो है यार्न प्रोड्यूस करते हैं। इसमें जो है वेस्ट कंट्रोल, वेस्ट का जो लेवल है हर एक मशीन के पे जो वेस्ट जो हमारा रिमूव हो रहा है उसकी कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें ये जानना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस लेवल इस स्टेज पे वेस्ट का लेवल क्या होगा और कितना होगा, और हमें अगर ज्यादा आ रहा है तो हमें क्या कंट्रोल करना चाहिए, एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर हो जाता है। आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन। वेस्ट जनरेटेड इन द यार्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू सॉफ्ट वेस्ट एंड हार्ड वेस्ट। जो यार्न मैन्युफैक्चरिंग में हमारा जो वेस्ट जो रिमूव होता है, वेस्ट रिमूव होता है वो हमारे दो तरीके के वेस्ट होते हैं, सॉफ्ट वेस्ट एंड हार्ड वेस्ट। यानी सॉफ्ट वेस्ट जो है विदाउट ट्विस्टेड वेस्ट, और हार्ड वेस्ट वो वेस्ट जिसमें हम ट्विस्ट इंसर्ट कर देते हैं और अब उस मेटेरियल को ओपन नहीं किया जा सकता, उस वेस्ट को हम हार्ड वेस्ट कहेंगे। रीयूजेबल वेस्ट सच एज स्लाइबर, जो वेस्ट हम प्रोसेस में जो है रीयूज कर लेते हैं, प्रोसेस में हम दोबारा उसको हम यूज कर लेते हैं सेम लॉट में, या उसके जो है उसके पीछे जो हमारी लॉट आती है उसमें हम यूज कर लेते हैं। रीयूजेबल वेस्ट सच एज स्लाइबर, स्लाइबर वेस्ट हम रीयूज कर लेते हैं। लैब बेट जो हमारी लैब जो हमारी ब्लो रूम में लैब फार्म हो रही है और कार्डिंग पे फीड हो रही है, उस लैब के जो अगर हमारे टुकड़े निकलते हैं तो उसको हम यूज कर लेते हैं। रोविंग इंड, रोविंग हम फार्म करते हैं, रोविंग के अगर इंड्स हैं उसको हम जो है सॉफ्ट वेस्ट में इस्तेमाल कर लेते हैं। एंड न्यूमाफिल वेस्ट आर नॉर्मली टर्म एज सॉफ्ट वेस्ट। न्यूमाफिल ये हमारा जो न्यूमेटिक जो सक्शन से जो हमारा वेस्ट निकलता है उसको हम न्यूमाफिल कहते हैं। न्यूमाफिल वेस्ट आर नॉर्मली टर्म एज सॉफ्ट वेस्ट। दीज वेस्ट स्लाइबर, लैब बेट, रोविंग एंड न्यूमाफिल आर जनरली सॉफ्ट वेस्ट। यार्न वेस्ट ऑब्टेंड फ्रॉम रिंग फ्रेम एंड वाइंडिंग डिपार्टमेंट इज नॉट रीयूजेबल, हेंस इट इज कॉल्ड हार्ड वेस्ट। यार्न वेस्ट जो है हमें दो मशीनों से मिलता है, रिंग फ्रेम एंड वाइंडिंग मशीन। रिंग फ्रेम के बाद मटेरियल हमारा जो है वाइंडिंग मशीन में जाता है, ऑटो कूनर में जाता है, वहां पे हमारा हार्ड वेस्ट कुछ वेस्ट जो है हार्ड वेस्ट जो है जनरेट होता है। ये दो स्टेज होती हैं जहां पे हार्ड वेस्ट जनरेट होता है। सेवरल टाइप्स ऑफ वेस्ट आर फाउंड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ कॉटन इन स्पिनिंग। 12-13% वेस्टेज आर प्रोड्यूस फॉर कार्ड प्रोसेस एंड 25-30% वेस्टेज आर प्रोड्यूस फॉर कॉम्ड प्रोसेस। कार्डिंग में आप जो है हमें पता है कि कॉटन यार्न को हम दो तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक जो है कार्डेड यार्न एंड दूसरा जो है कॉम्ड यार्न। जब हम कार्डेड यार्न प्रोड्यूस करते हैं तो इसमें हमारा वेस्ट हमारा कम रिमूव होता है, और जब हम कॉम्बिंग करते हैं तो कॉम्बिंग में एक्स्ट्रा नॉयल शॉर्ट फाइबर हम रिमूव करते हैं, वहां पे हमारा वेस्ट लेवल बढ़ जाता है। तो जनरली कार्डेड यार्न में जो है वेस्ट जो रिमूव होता है 12-13% और कॉम्ड यार्न में 25-30%। इन प्रैक्टिकल हम जो है मटेरियल जो रॉ मटेरियल ले रहे हैं वो हमारा इनपुट मटेरियल है, और जो हमारा फिनिश गुड है यार्न हमारा फिनिश गुड होगा वो हमारा आउटपुट मटेरियल है। तो इनपुट इनपुट यानी रॉ कॉटन, कॉटन माइनस आउटपुट मींस यार्न पैक्ड यार्न,
इक्वल टू वेस्टेज जो है, अगर ये जो आउटपुट हमारा अगर कम आता है, जो हमने मटेरियल लिया, सपोज दैट 100 kg हमने मटेरियल लिया, अगर आउटपुट मटेरियल हमारा जो है कम आता है तो वेस्टेज का लेवल बढ़ेगा। इसलिए जो है वेस्टेज को हम कंट्रोल करेंगे, आउटपुट का लेवल बढ़ेगा। तो हमें हर स्टेज पे वेस्टेज को कंट्रोल करके आउटपुट यानी फिनिश गुड इट मींस यार्न का लेवल, हमें यार्न जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी हमें बढ़ानी है। वेस्टेज इन स्पिनिंग मिल में जनरली जो हमारे वेस्टेज होते हैं, ब्लू रूम, फॉरेन फाइबर सेपरेशन, जो हमारे जो फाइबर में जो मिक्स फाइबर है उनका सेपरेशन, कार्डिंग, कार्डिंग से जो वेस्ट निकलता है, कॉम्बिंग से जो हमारा वेस्ट निकलता है जिसको हम लोग जनरली इनवॉल्व कहते हैं, न्यूमोफिल जो सक्शन से जो हमारा वेस्ट ब्रेकेज के बाद रिंग हमारा रिंग फ्रेम पे जो है यार्न हमारा ब्रेकेज होता है, ब्रेकेज के बाद जो सक्शन जो सक करता है उस वेस्ट को हम न्यूमोफिल वेस्ट कहते हैं, एंड हार्ड वेस्ट रिंग फ्रेम से और ऑटो कोनर से जो हमारा वेस्ट निकलता है, बॉबिन से जो वेस्ट निकलता है उसको हम जो है हार्ड वेस्ट कहते हैं। तो ये स्टेज ये हमारे जो है जनरली जो है मेन जो वेस्टेज है कॉटन स्पिनिंग के। स्पिनिंग प्रोसेस यहाँ पे आप स्पिनिंग प्रोसेस जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, रिंग स्पिनिंग आप देख रहे हैं। अब हम आते हैं ब्लो रूम वेस्टेज पे। ब्लो रूम पे जो है हमारा वेस्टेज का लेवल क्या होगा और कौन कौन से वेस्टेज होंगे उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप फिगर के माध्यम से देख रहे हैं दो ब्लो रूम लाइन, यानी ये हमारी कन्वेंशनल ब्लो रूम लाइन है और ये हमारी जो है मॉडर्न ब्लो रूम लाइन है। कन्वेंशनल ब्लो रूम लाइन में हम जो है कॉटन मेटल फिट करते हैं और हमारा फिनिश जो प्रोडक्ट बनता है वो जो है ब्लो रूम में, हमारा जो फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो लैब फार्म में, यानी कॉटन जो है प्रोसेस होकर के क्लीन होकर के और लैब फार्म में हमें प्रोड्यूस लैब फार्म में मिलती है जिसको हम कम्बर पे ले जाकर कम्बर पे फिट करते हैं। ये हमारा जो है कम्बर का लैब, हमारी कम्बर की रॉ मेटेरियल होगी। और यहाँ पे आप जो है आप देख रहे हैं मॉडर्न ब्लो रूम लाइन है और इस मॉडर्न ब्लो रूम लाइन में जो है चूट फिट सिस्टम है, यहाँ पे लैब फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो हम जो है आइए देखते हैं वेस्ट ऑफ ब्लो रूम, ब्लो रूम में वेस्ट का लेवल कितना होगा। जनरली अप टू 3%, 3% जो हमारा जो है प्लस माइनस वेस्ट का लेवल होगा, 3% कह रहा हूँ। ड्रॉपिंग टू जो है ब्लो रूम वेस्ट होगा सीड्स, लीफ, डस्ट, लैब कट यानी जो हमारा जो लैब फार्म हो रही है उससे जो है इनिशियल या एंड में हमारी जो लैब कट बनते हैं वो हमारा सॉफ्ट वेस्ट होगा। लैब कट, फिल्टर वेस्ट, फिल्टर डस्ट एंड फ्लोर स्वीप, दीज वेस्टेज आर प्रोड्यूस इन ब्लो रूम, यानी ये जो हमारे वेस्ट होंगे ये ब्लो रूम में हम जो प्रोड्यूस होने वाले वेस्ट हैं। आइए आगे देखते हैं कार्डिंग वेस्टेज, वेस्ट ऑफ कार्डिंग 3 to 5%, यानी कार्डिंग का वेस्ट जो है 3 to 5%, ये डिपेंड करता है रॉ मेटेरियल में हमारा 23% कितना है, ये डिपेंड करता है ब्लो रूम का वेस्टेज और कार्डिंग का भी वेस्टेज। जनरली हमारी ब्लो रूम मशीन होती है वो 40 to 70% के बीच में जो है क्लीनिंग करती है और रेस्ट जो क्लीनिंग का पार्ट होता मेटेरियल जो ट्रेस जो है कॉटन में रिमेन जो ट्रेस होता है वो हमारी कार्डिंग मशीन जो है रिमूव करती है। तो कार्डिंग में जो वेस्ट का लेवल होगा वेस्ट ऑफ कार्डिंग 3 to 5%। ड्रॉपिंग फर्स्ट हमारा जो है कार्डिंग वेस्ट होगा। यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं मॉडर्न कार्डिंग, ये जो हमारी मॉडर्न कार्डिंग है जिसमें जो चूट फीड सिस्टम से हमारा मेटल फीड होता है और ये हमारी जो है ओल्ड कन्वेंशनल कार्डिंग है जिसपे हमारा जो लैब फीड लैब जो है फीड मेटल के रूप में हमारा लैब फीड होती है। तो ये हमारे दो कार्ड है। यहाँ पे जो है हम ड्रॉपिंग फर्स्ट जो वेस्ट है, ड्रॉपिंग फर्स्ट ये हमारा कार्डिंग वेस्ट है, मोट्स एंड फ्लायर ये जो है कार्डिंग से जो है रिमूव होता है, फ्लैट स्ट्रिप जो हमारी फ्लैट है, फ्लैट जो है शॉर्ट फाइबर एंड नेव्स एंड सीड फ्रेगमेंट को अब कैच कर लेती है और ये जो है ऊपर जो है मूव करते हुए बाहर आती है, स्ट्रिप को हम क्लीन करते हैं। तो ये हमारे फ्लैट स्ट्रिप, टेकर इन वेस्ट, टेकर इन के से जो हमें नीचे जो मिलता है वेस्ट वो टेकर इन वेस्ट, स्लाइबर कट, स्लाइबर वेस्ट यानी अगर स्लाइबर पीसिंग या थोड़ा सा जो है स्लाइबर जो वेस्टेज होते हैं वो उसको हम स्लाइबर कट या स्लाइबर वेस्ट कहते हैं, फिल्टर वेस्ट, फिल्टर डस्ट एंड फ्लोर स्वीप यानी स्वीपिंग में हमारा मेटल फ्लोर पे जो कॉटन पड़ी रहती है स्वीपिंग के दौरान वो कलेक्ट होती है उसको हम स्वीप फ्लोर स्वीप वेस्ट कहते हैं। ड्रा फ्रेम वेस्टेज,
वेस्ट ऑफ ड्रा फ्रेम जनरली जो है वेस्ट जो ड्रा फ्रेम से वेस्ट होता है 0.5% के नियर अबाउट हमारा वेस्ट होता है। फिल्टर वेस्ट बोंडा बोंडा हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। बोंडा वेस्ट जो लैपिंग वेस्ट रोलर लैपिंग वेस्ट होती है दैट इज कॉल्ड बोंडा। स्लाइवर कट एंड स्लाइवर वेस्ट, स्लाइवर कट यानी जो स्लाइवर हमारे ब्रेकेज होते हैं उससे जो हमारा वेस्ट बनता है उसको स्लाइवर कट या स्लाइवर वेस्ट कहते हैं। तो जनरली बहुत ही नॉर्मल वेस्ट होता है, मैक्सिमम हमारा 0.5% जो है वेस्ट ड्रा फ्रेम पे होता है या बिलो 5%। लेफ फार्मर वेस्ट, वेस्ट ऑफ लेफ फार्मर 0.5 नियर अबाउट 0.5% लेफ वेस्ट स्लाइवर वेस्ट एंड वैक्यूम वेस्ट। लेफ फार्मर आप यहाँ पे फिगर में जो है लेफ फार्मर मशीन देख रहे हैं। लेफ फार्मर ये हमारा जो है काम्बर मटेरियल, काम्बर काम्बर के लिए जो हमारा फीड मटेरियल है ये लेफ फार्मर जो है लेफ प्रिपेयर करती है और ये लेफ जो हमारी फीड होती है काम्बर पे। तो इस फॉर्मेशन में लेफ के फॉर्मेशन में जो हमारा वेस्ट होता है जनरली जो है 0.5% जो वेस्टेज होता है वो कौन कौन से, लेफ वेस्ट स्लाइवर वेस्ट एंड वैक्यूम वेस्ट, ये हमारे वेस्टेज होते हैं लाइफ फार्मर मशीन पे। वेस्टेज इन कॉम्बिंग, कॉम्बिंग में होने वाला जो वेस्ट है, वेस्ट ऑफ काम्बर 12 to 18% नॉयल, जो हमारा काम्बर का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है रिमूवल ऑफ शॉर्ट फाइबर यानी जिसको हम नॉयल कहते हैं। तो नॉयल का क्या परसेंटेज होगा, नॉयल एज पर डिजायर्ड एंड क्वालिटी ऑफ द इन प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस। हम जो है ये 100% ये डिसाइड होता है कि हमें क्वालिटी किस प्रकार की चाहिए, हमारी क्वालिटी की क्या जो है रिक्वायरमेंट है उस पे हमारा जो है नॉयल परसेंटेज जो है डिपेंड करता है। तो हम एज पर रिक्वायरमेंट एज पर क्वालिटी नॉर्म्स हम जो है नॉयल हमारा वेरी करता है। तो ये रेंज होती है 12 to 18%। मिनी लैब वेस्टेज 0.25%, स्लाइवर वेस्टेज 0.25%, रोलर वेस्टेज 0.25%, फ्लाई डस्ट 0.1 एंड स्वीपिंग 0.2%। ये हमारे काम्बर में जो है वेस्टेज का लेवल होगा। वेस्टेज इन सिंप्लेक्स स्पीड फ्रेम, सिंप्लेक्स या स्पीड जिसको हम स्पीड फ्रेम भी कहते हैं, तो वहां पे हमारा वेस्टेज का लेवल क्या होगा, वेस्ट ऑफ सिंप्लेक्स 0.5%। हम आप सिंप्लेक्स मशीन देख रहे हैं जहां पे स्लाइबर से आपकी रोबिंग जो है रोबिंग फार्म हो रही है, हमारा कैन में स्लाइबर है जो फीड हो रहा है और आफ्टर ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग के बाद जो है हमारी जो है यहाँ पे रोबिंग पैकेज में जो है रोबिंग फार्म हो रही है। तो इस प्रोसेस में जो हमारा वेस्ट होता है वो जनरली 0.5% के नियर अबाउट वेस्ट होता है। कौन कौन से वेस्टेज होते हैं, स्लाइबर स्लाइबर वेस्ट, रोलर वेस्ट जिसको हम बोंडा बोंडा वेस्ट भी कहते हैं, जो रोलर में हमारी लैपिंग होती है और उस लैपिंग वो हम जो रिमूव करते हैं वो वेस्ट जो निकलता है वो हमारा बोंडा वेस्ट होता है, रोलर लैपिंग वेस्ट। न्यूमाफिल वेस्ट जो ब्रेकेज होने के बाद जो सक्शन में वेस्ट जाता है उसको हम न्यूमाफिल वेस्ट कहते हैं। रोबिंग वेस्ट, रोबिंग मटेरियल का जो वेस्टेज होता है रोबिंग वेस्ट। स्वीपिंग वेस्ट जो फ्लोर हमारी स्वीपिंग जो वेस्ट होता है स्वीपिंग वेस्ट हो गया। क्लियर वेस्ट, इनविजिबल वेस्ट, जनरली जो है हमारा जो वेस्टेज का लेवल है वो 0.5% के नियर अबाउट होना चाहिए सिंप्लेक्स मशीन में। यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं वेस्टेज इन रिंग फ्रेम, मॉडर्न रिंग फ्रेम मशीन। मॉडर्न रिंग फ्रेम में वेस्टेज का लेवल क्या होगा, यहाँ पे हमने मॉडर्न रिंग फ्रेम कहा यानी हम यहाँ पे दोनों मॉडर्न और कन्वेंशनल दोनों ही मशीनों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कन्वेंशनल जो हमारी मशीन होती थी उसमें क्या वेस्ट निकलता था और मॉडर्न रिंग फ्रेम यानी मॉडर्न जो मॉनिटरिंग सिस्टम है मशीन मॉनिटरिंग सिस्टम। वेस्ट ऑफ रिंग फ्रेम 1%, मशीन मॉनिटरिंग सिस्टम में जो हमारा वेस्टेज होता है उसमें जो है नियर अबाउट 1% जो है रिंग फ्रेम में वेस्टेज होता है। न्यूमाफिल 0.2 to 0.3%, बोंडा रोलर लैपिंग 0.2 to 0.3%, रोबिंग वेस्ट 0.1 to 2%, थ्रेड वेस्ट या हार्ड वेस्ट 0.1 एंड बिलो, फ्लाई डस्ट 0.2%, स्वीपिंग वेस्ट 0.2%, टोटल वेस्ट नॉट मोर देन 1%, यानी हमारा जो टोटल वेस्ट है वो 1% या उससे कम होना चाहिए। ये मॉडर्न रिंग फ्रेम के केस में जिसमें मॉनिटरिंग सिस्टम
जो है डाटा मॉनिटरिंग सिस्टम अगर हमारा लगा हुआ है तो वेस्ट का लेवल काफी रिड्यूस हो जाता है, इन ब्रेकेज को हम काफी कंट्रोल कर लेते हैं जिससे वेस्ट का लेवल रिड्यूस हो जाता है। वेस्ट इन रिंग फ्रेम, कन्वेंशनल रिंग फ्रेम यानी यहाँ पे मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं लगा हुआ है, उस केस में जो है क्या होगा कि वेस्टेज का जो लेवल है 2 to 3% के रेंज में चला जाता है, न्यूमाफिल 1.2 to 2%, वोंडा रोलर लैपिंग 0.2 to 2.3%, रोबिंग वेस्ट 0.1 to 0.2%, थ्रेड वेस्ट या हार्ड वेस्ट 0.1 एंड बिलो, फ्लाई डस्ट 0.2%, स्वीपिंग वेस्ट 0.2% एंड टोटल वेस्टेज इज नॉट मोर देन 3%। यहाँ पे जो है टोटल वेस्ट जो है 3% या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। या रिंग फ्रेम आप देख रहे हैं जो कि हम अलग अलग स्टेज पे आप जो है वेस्टेज का लेवल आप देख रहे हैं, और ये हमारा जो है क्लियर ब्रश है, क्लियर ब्रश जो टॉप रोलर को ट्रॉप फ्रंट रोलर टॉप रोलर को जो है क्लीन करता है, जो लैपिंग को प्रिवेंट करता है रोलर में। ये जो वेस्टेज जो शॉर्ट फाइबर इसमें जो रोल है इसको हम कहते हैं बोंडा वेस्ट। वाइंडिंग सेक्शन ऑफ वेस्ट, वाइंडिंग सेक्शन में होने वाले वेस्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वाइंडिंग सेक्शन में हमारा कौन सा वेस्ट फॉर्म होता है, हार्ड वेस्ट यानी वेस्ट ऑफ वाइंडिंग सेक्शन 1%, और वेस्ट हमारा कौन सा होगा, हार्ड वेस्ट। ये आप ऑटो कूनर देख रहे हैं, ऑटो कूनर्स में जो हमारा वेस्ट का लेवल होता है मैक्सिमम 1%, और ये हार्ड वेस्ट जो है फॉर्म होता है। कंसेप्ट ऑफ वेस्टेज, वेस्टेज का जो है कंसेप्ट को हम जो है कन्वेंशनल सिस्टम यानी प्रीवियस और जो है मॉडर्न हमारा कंसेप्ट क्या है इसको हम लोग देखेंगे। वेस्टेज कंट्रोल, प्रीवियस कंसेप्ट हमारे क्या होते थे, वेस्ट प्रोडक्शन प्लस वेस्टेज रिडक्शन, हम वेस्ट रिडक्शन की तरफ काफी फोकस करते थे। आज हम जो है वेस्ट रिडक्शन की तरफ भी फोकस करते हैं, और वेस्ट आज का जो हमारा कंसेप्ट है वेस्ट मैनेजमेंट, प्रेजेंट कंसेप्ट हमारा है वेस्ट प्रोडक्शन प्लस वेस्टेज यूटिलाइजेशन। अब हम जो होने वाला वेस्ट था उसको हम रिड्यूस भी करते हैं, साथ साथ उसका जो है यूटिलाइजेशन, हम उस वेस्ट को कैसे प्रॉपर तरीके से जो है यूटिलाइज करके और प्रोडक्ट जो उससे हम बनाए उससे हम अधिक से अधिक जो है प्रॉफिट मार्जिन ले सकें, ये हमारा कंसेप्ट हो जाता है आज के डेट में। वेस्टेज रिडक्शन प्रोसीजर जो है हम वेस्ट को कैसे रिड्यूस करेंगे, जो है स्पिनिंग यूनिट में, कॉटन यूनिट में, कॉटन स्पिनिंग यूनिट में हम वेस्ट को कैसे रिड्यूस करेंगे, तो हमारा पहला पॉइंट है सिलेक्शन, रॉ मटेरियल सिलेक्शन यानी सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट हो जाता है किसी भी यार्न को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी काउंट को प्रोड्यूस करने के लिए। स्पिंडल स्पीड, हमारी जो रिंग फ्रेम की स्पिंडल स्पीड है वो हम किस स्पीड पे जो है यार्न प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हमारा जो है वेस्टेज का लेवल इस स्पीड पे भी डिपेंड करेगा। सेटिंग यानी रोलर, रोलर सेटिंग, रिंग ट्रेवलर सेटिंग एंड ट्रेवलर क्लियर एटसेट्रा, जो हमारी ये सेटिंग है अगर ये सेटिंग जो है इम्प्रॉपर है उस केस में जो है हमारा वेस्टेज का लेवल बढ़ जाता है। ट्विस्ट ऑफ यार्न, ट्विस्ट जो हम यार्न में ट्विस्ट देते हैं जिससे स्ट्रेंथ जो है इम्प्रूव होती है यार्न में, उस ट्विस्ट का जो लेवल कितना है ये भी हमारे ब्रेकेज पे, इंड ब्रेकेज को जो है इंड ब्रेकेज उस पर भी डिपेंड करता है। तो ट्विस्ट ऑफ यार्न एक फैक्टर है जो हमारे वेस्टेज को जो है अफेक्ट करेगा। मशीनरी कंडीशन, मशीन जो हमारी मशीन है जिसपे हम यार्न प्रोड्यूस कर रहे हैं उस मशीन की क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में है हमारी मशीन है, ये वेस्ट का लेवल इस पे भी डिपेंड करता है। आरएच एंड टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर इन स्पिनिंग यूनिट, ये हमारे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर इस पे भी हमारा वेस्ट लेवल डिपेंड करता है। अगर हमारी आरएच वैल्यू बढ़ती है या टेम्परेचर घटता बढ़ता है तो जो हमें रिक्वायर्ड है अगर उससे अप डाउन होता है तो लैपिंग जो है रोलर लैपिंग के जो है चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं, और उस केस में जो है वेस्टेज का लेवल बढ़ जाएगा। प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग, अगर हम जो है मटेरियल हैंडलिंग प्रॉपर नहीं करते हैं तो वो उस केस में भी हमारा वेस्टेज लेवल जो है बढ़ता है। एडिक्वेट सुपरविजन और सुपरविजन यानी वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमें एक प्रॉपर सुपरविजन की आवश्यकता होती है, और इस वेस्ट को जो है रिडक्शन में हम जो वर्क जो फोर्स है जो मैन पावर फोर्स है उसको हमें जो है टाइम टू टाइम उसको जो है अवेयरनेस लेवल जो हमें अवेयरनेस वेस्ट को जो है रिड्यूस करने के लिए हमें एक अवेयरनेस जो है डिपेंड
देनी पड़ती है, अवेयरनेस करनी पड़ती है कैसे हम वेस्ट को जो है कंट्रोल करेंगे, क्या क्या किन फैक्टर को हम ध्यान दें, किन फैक्टर को हम जो है कंट्रोल करें कि हम वेस्ट को जो है डिपार्टमेंट वाइज जो है कंट्रोल कर सकें, और इसकी मॉनिटरिंग, वेस्ट की मॉनिटरिंग हमें जो है डिपार्टमेंट वाइज करनी चाहिए जिससे हम वेस्ट को प्रॉपर कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, और रिंग फ्रेम में कॉटन स्पिनिंग में जो प्रोड्यूस होने वाले जो वेस्टेज है, किस स्टेज पे कौन सा वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, क्या लेवल है, इस लेक्चर के माध्यम से आपको जो है जानकारी मिली। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये जानकारी है जिससे आपको ये इंडस्ट्री और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।